हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम आपके पास लेके आए हैं वेन डायग्राम का पार्ट सेकंड। लास्ट टाइम हमने एक पार्ट डिस्कस किया था जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वेन डायग्राम कैसे बनाई जाती है, कौन से तीन ऐसे रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। एक तो आल का रिलेशन है, सम का रिलेशन है और नो का रिलेशन है। तो यही तीन रिलेशन है जिनके बेसिस पे वेन डायग्राम बनाई जाती है। आज हम आपके पास लेके आए हैं ऑप्शंस। कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू कोई भी आपके पास एग्जाम में आता है, इन्हीं 10 ऑप्शन में से कोई से चार आपके पास ऑप्शन वहां पर दिए जाते हैं। तो हम यहां पर ऑप्शंस की स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे पास एक हमने ये डायग्राम बनाई है, सेकेंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन एंड फिफ्थ ऑप्शन। यहाँ पर हमने 5 ऑप्शन लिए हैं और इनके बीच में हम देखेंगे कि इनमें कौन से रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपको इनकी पहचान हो गई आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो पहला आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन वन है ये, इसे ऑप्शन वन लिख दिया मैंने। यहाँ पर देखेंगे एक्स एंड वाई के पास क्या रिलेशन है, एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है इनके बीच में आल का रिलेशन है। जब कभी भी आल का रिलेशन होगा तो सपोज ये एक्स है और ये एक्स है और ये वाई है, तो इसे ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आल का रिलेशन, यानी कि छोटा सर्कल और उसके अंदर एक बड़ा सर्कल जो कि इंडिकेट करता है आल एक्स और वाई। आल का रिलेशन जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा है अच्छे से। वाई और जेड का अगर रिलेशन देखेंगे ये भी क्या शो कर रहा है, आल का रिलेशन। एंड एक्स और जेड के बीच में अगर हम देखेंगे कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो आल का रिलेशन। तो अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी तीन आल आ रहे हैं, तीन आल के रिलेशन जो आपकी वेन डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो जब कभी भी तीन आल आ रहे हैं तो आपकी वेन डायग्राम ऑप्शन वन की तरह बनेगी। चलेंगे ऑप्शन सेकंड की तरफ, एक्स और जेड के बीच में, एक्स और वाई के बीच में अगर नो का रिलेशन है, यानी कि इनमें कुछ भी नहीं मिलता कॉमन है, एक्स और जेड के बीच में भी नो का रिलेशन है और वाई और जेड के बीच में भी नो का रिलेशन है। नो का रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो सेपरेट सर्कल बना देते हैं सिंपली, कोई भी, ये भी इंडिपेंडेंट वो भी इंडिपेंडेंट, दोनों के दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हम एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीनों में अगर नो का रिलेशन होगा तो आपकी वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी, ऑप्शन सेकंड की तरह। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कब हमें ऐसी डायग्राम बनानी है जब एक्स और वाई के बीच में ये जो पोर्शन है ये ओवरलैप कर रहा है, यानी कि इनके बीच में सम का रिलेशन है, सम एक्स आर वाई एंड सम वाई आर एक्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं जब एक सम का रिलेशन है, एक्स और वाई और जेड के बीच में कौन सा रिलेशन है, यहां पर भी सम का रिलेशन है। कैसे सम का रिलेशन है, ये जो पोर्शन है वाई और जेड का ये कॉमन है, ऑल सम वाई आर जेड एंड सम जेड आर वाई। तो ये जो बाई डायरेक्शनल होते हैं सम का रिलेशन हम पढ़े हैं, बाई डायरेक्शनल है पहले पार्ट में अच्छे से, और एक्स और जेड के बीच में कौन सा रिलेशन है ये भी सम का रिलेशन है। तो जब हमारे पास तीन सम के रिलेशन दिए गए हो, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स और जेड के बीच में भी सम का रिलेशन, जब हमारे पास तीन रिलेशन दिए गए होंगे सम के, तो हमारी वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी। कैसे हम बनाते हैं सम का रिलेशन, ये है, ऐसे ओवरलैप करके हम सम का रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। ऑप्शन फोर है हमारे पास, ये थर्ड था, ऑप्शन फोर। यहां पर एक्स और वाई के बीच में देखिए अब सम का रिलेशन आ रहा है, क्योंकि ये सम एक्स आर वाई एंड सम वाई आर एक्स, अभी हमने देखा सम का रिलेशन आ रहा है एक्स और वाई के बीच में। हमारा सेकंड है वाई और जेड के बीच में, वाई और जेड के बीच में भी सम का रिलेशन है, तो यहां पर भी सम का रिलेशन है। और एक्स और जेड के बीच में कौन सा रिलेशन है, नो रिलेशन, क्योंकि एक्स का सर्कल अपना जेड का सर्कल अपना दोनों इंडिपेंडेंट है, इसलिए इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो नो रिलेशन है। तो जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन में दो सम आ रहे होंगे और एक नो आ रहा होगा, तो आपको वेन डायग्राम इस कुछ इस तरीके से बनानी है ऑप्शन फोर की तरह। तो ये नोट कीजिए। लास्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फिफ्थ है, लास्ट नहीं, ऑप्शन फिफ्थ जो है, इसमें एक्स और वाई का अगर हम रिलेशन देखेंगे तो दोनों के सर्कल जो है सेपरेट है, और सेपरेट सर्कल है जब हम शो करते हैं तो वो नो का रिलेशन रिप्रेजेंट करता है।
एक्स और जेड का देखेंगे, आल एक्स आर जेड तो ये आल का होगा, और वाई और जेड का देखेंगे ये भी आल का रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में दो आल होंगे और एक नो होगा तो हमारी वेन डायग्राम जो बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, अभी करेंगे वो भी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप क्वेश्चन देखते ही उनकी वेन डायग्राम खुद से बनाएं, ताकि आपको बहुत आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने की में, और एलिमिनेशन मेथड का आप यूज कर सके, तो जिसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आपके वेन डायग्राम के क्वेश्चंस में। तो ये पांच ऑप्शन आप पहले नोट कीजिए, फिर हम बाकी के ऑप्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। होप आपने वीडियो पास करके वो ऑप्शन नोट किए होंगे। अब हम मूव करेंगे ऑप्शन नंबर सिक्स पे। ऑप्शन नंबर सिक्स में हमने एक्स और वाई के बीच में अगर रिलेशन देखना होगा तो क्या रिलेशन होगा, आल का रिलेशन होगा। क्यों आल का रिलेशन होगा, क्योंकि एक्स का सर्कल जो है वो छोटा है और वाई का सर्कल बड़ा है, यानी कि आल एक्स आर वाई। ऑप्शन जो है वो सिक्स नंबर में जेड और वाई के बीच में जो है वो ओवरलैप यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन शो करेगा यहाँ पर सम का रिलेशन। यहाँ पर हम देख सकते हैं सम का रिलेशन, और एक्स का सर्कल और जेड का सर्कल आपस में इनका कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी कि इनके बीच में नो रिलेशन होगा। तो जब कभी आपके पास एक आल का रिलेशन होगा, एक सम का रिलेशन होगा और एक नो का रिलेशन किसी भी क्वेश्चन में दिया गया होगा, तो आपको वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनानी है। ऑप्शन नंबर सेवन है, एक्स और वाई के बीच में को क्या रिलेशन आ रहा है, आल का रिलेशन आ रहा है। वाई और जेड के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, वाई का सर्कल अपना, जेड का सर्कल अपना, दोनों में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, तो इन दो के बीच में नो रिलेशन होगा। तो उसी नो रिलेशन को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, नो रिलेशन। और एक्स और जेड के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, एक्स और जेड के बीच में भी नो रिलेशन। तो जब कभी भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन में दो नो के रिलेशन बन रहे होंगे और एक आल का रिलेशन बन रहा होगा, आपको ऑप्शन सेवन बनाना है, वहां की जो वेन डायग्राम होगी वो ऑप्शन सेवन की तरह बनेगी। ऑप्शन नंबर एट है, अभी जो था वो जेड और एक्स और जेड के बीच में नो रिलेशन था, लेकिन अब हमने इसी सर्कल को जरा सा यहाँ पर लाया, इनको ओवरलैप कराया दोनों को, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं एक्स और वाई के बीच में आर का रिलेशन है, वाई और जेड के बीच में ये वाई का सर्कल है बड़ा वाला ये वाला, और Z का ये वाला है, यानी कि ये जो पोर्शन है ये ओवरलैप हो रहा है, तो इनके बीच में जो है वो सम का रिलेशन होगा। सम हम कह सकते हैं सम वाई आर जेड एंड सम जेड आर वाई। तो यहाँ पर X और Z का जब देखा जाएगा, X का सर्कल ये है और Z का सर्कल ये, यानी कि ये जो पोर्शन है इतना सा पोर्शन ये ओवरलैप दिखता है, तो इसे भी हम सम ही से शो करेंगे। तो जब कभी आपके पास किसी भी क्वेश्चन में दो सम के रिलेशन बन रहे होंगे और एक आर का रिलेशन बन रहा होगा, तो आपकी जो वेन डायग्राम होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अगला ऑप्शन हमने लिया है, यहाँ पर एक्स एंड वाई का ओवरलैप देख सकते हो आप, तो एक्स और वाई के बीच में यहाँ पर क्या रिलेशन बनेगा, सम का रिलेशन बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं सम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। वाई और जेड का बीच में क्या रिलेशन बनेगा, जेड जो है वो बड़ा सर्कल है, वाई जो है वो छोटा सर्कल है, और वाई का सर्कल जो है वो जेड के अंदर आ रहा है, तो इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा वो आल का रिलेशन बनेगा। और एक्स और जेड के बीच में भी सिमिलर रिलेशन बनेगा, यानी कि आल का रिलेशन होगा। तो जब कभी किसी भी क्वेश्चन में दो आल का रिलेशन बन रहे होंगे और एक सम का रिलेशन बनेगा, तो आपने जो वेन डायग्राम बनानी है कुछ इस तरीके से बनानी है। क्वेश्चन हम देखेंगे अभी थोड़ी ही देर में। अब एक लास्ट ऑप्शन ऐसा भी बन सकता है, एक्स और वाई का ओवरलैप दिखाया है हमने यहाँ पर, और एक जेड जो है वो सेपरेट है, तो यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में ओवरलैप है, यानी कि यहाँ पर सम का रिलेशन होगा, और जेड का सर्कल इंडिपेंडेंट है, दोनों के साथ कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा, यानी कि दोनों में नो का रिलेशन होगा। तो जब कभी भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन में दो नो के रिलेशन होंगे और एक सम का रिलेशन होगा, आपकी जो वेन डायग्राम होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ऑप्शन 10 की तरह। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जिनसे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। क्वेश्चन हमारे पास है, एक एग्जाम्पल हमने ली है कैट्स पैट्स एंड डॉग्स, इनको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने अभी जो कंसेप्ट जाना उन्हीं की बेसिस पे करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि पेट्स जो है उसके लिए बड़ा सर्कल, और कैट और डॉग जो है दोनों पालतू होते हैं, उन्हें छोटे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। वीडियो को पास करो, पहले इसका आंसर खुद से जानो जो अभी तक हमने पढ़ा। तो
तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन है? तो हमें क्या करना है, जो अभी तक हम एक्स वाई जेड ले रहे थे उन्हें एक्स वाई जेड, बस इनके बीच का हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, कहां पर आल का रिलेशन है, किधर सम का और नो का रिलेशन है। तो कैट्स और पेट्स में जब हम रिलेशन देखेंगे तो क्या होगा, यहां पर रिलेशन इनका रिलेशन होगा सम का रिलेशन। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कुछ ऐसी बिल्लियां होती है जो कि पालतू होती है, सारी की सारी बिल्लियां जो है वो पालतू नहीं होती। सम कैट्स आर पेट्स, और कुछ पालतू जानवर ऐसे होते हैं जिनमें बिल्लियां आती है, तो दोनों तरफ से सम का रिलेशन बन रहा है। तो हम ये जानते हैं जो सम का रिलेशन होता है हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका वो कौन सा ऑप्शन है जहां पर ऐसा ऑप्शन आ रहा है? इन चारों में से ऑप्शन बी है। तो बाकियों को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप 10 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि अगर आपको ऑप्शंस का पता हो तो ऑप्शन एलिमिनेशन से तो हम ये कर रहे हैं। सिमिलर रिलेशन अगर हम पेट्स और डॉग का भी देखें, उनमें भी यही है कि सम डॉग्स आर पेट्स, कुछ कुत्ते ऐसे होते जो पालतू होते हैं, सारे के सारे कुत्ते जो है वो पालतू नहीं होते। तो यहाँ से हम इजिली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए इसे नोट कीजिए, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स। तो पहली एग्जाम्पल हमारे पास है इंडिया, जयपुर, राजस्थान, इनके बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे क्या वन डायग्राम बनेगी, कौन सा ऑप्शन जो है वो बनेगा। तो इंडिया जो है, इंडिया और जयपुर के बीच में क्या रिलेशन होगा? इंडिया और जयपुर के बीच में देखिए, सम पार्ट ऑफ द इंडिया इज जयपुर, कुछ जो हिस्सा है इंडिया का वो जयपुर है, क्योंकि इंडिया सारा जयपुर तो नहीं है, कोई एक स्टेट है, स्टेट की कोई सिटी है जो कि जयपुर है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे जयपुर इंडिया का रिलेशन, उसमें तो हमको जितना भी जयपुर है वो सारा का सारा जो है इंडिया में है, तो एक तरफ से तो सम बन रहा है और दूसरी तरफ से आल बन रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम आल का रिलेशन कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो सम का रिलेशन है वो दोनों साइडों से होना चाहिए, आल का रिलेशन किसी भी एक साइड से होना चाहिए, इधर लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर होगा जो रिलेशन वो आल का होगा। सिमिलर केस है जयपुर और राजस्थान में भी, जो जयपुर है वो पूरा का पूरा राजस्थान में है, तो यहाँ पर भी आल का रिलेशन होगा। और इंडिया और राजस्थान के बीच में देखा जाएगा जो राजस्थान है वो पूरा का पूरा कहाँ पर है? इंडिया में। तो इनका जो रिलेशन बनेगा ये बन गया जी जयपुर के लिए, ये बन गया जी राजस्थान के लिए, और फिर हमारे पास जो बड़ा सर्कल बनेगा वो किसके लिए बनेगा? इंडिया के लिए। तो ऑप्शन वन वाला होगा, जिनमें के तीनों में आल ऑप्शन आते थे, आल का रिलेशन बनता था। एग्जाम्पल सेकेंड है पायलट, स्काई और प्लेन, पायलट और स्काई के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? पायलट और स्काई के बीच में आल का रिलेशन बनेगा, स्काई और प्लेन के बीच में भी आल का रिलेशन बनेगा, और फिर पायलट और प्लेन के बीच में जो रिलेशन देखेंगे वो भी आल का होगा। अब यहाँ पर सोच सकते हैं कि सारे के सारे जो पायलट होते हैं वो स्काई में तो नहीं होते, कुछ अपने घर पे हो, कुछ एयरपोर्ट पे होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। और तो यहाँ पर हमने आल का रिलेशन क्यों लिया? देखिए ये एक प्रोफेशन है, बाय डिफॉल्ट जो भी प्रोफेशन होते हैं उनमें हम आल का रिलेशन लेते हैं। इसे आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि स्टूडेंट है, क्लास है, वो टीचर है। अब सारे के सारे टीचर जो है वो क्लास में नहीं होते हैं, लेकिन हम वहाँ पर आल का रिलेशन कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं जो भी टीचर है वो क्लास में है और स्टूडेंट उसे पढ़ रहे हैं। सिमिलर केस है डॉक्टर का, पेशेंट का और हॉस्पिटल का। हम ये मान के चलते हैं जो भी हमारे पास डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में है और वो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हम वहाँ पर ये नहीं कहते कि सम डॉक्टर्स आर इन हॉस्पिटल, हम ये कहते हैं कि ऑल डॉक्टर्स आर इन हॉस्पिटल। तो ये मान के चलते हैं जो भी प्रोफेशन हो वहाँ पर आपको आल का यूज करना है। यहाँ पर वुमेन, वाइफ और मदर, देखिए सारी की सारी वुमेन जो होते हैं वो वाइफ नहीं होती, लेकिन जो भी वाइफ होती है वो तो बाई डिफॉल्ट क्या होती है? वुमेन ही होती है। तो ऑल वाइफ आर वुमेन, ठीक है। सिमिलर मदर और वाइफ में देखेंगे, सारी जो वाइफ होती है वो तो मदर नहीं बनती, ठीक है, लेकिन जो भी मदर होती है वो किसी ना किसी की तो वाइफ होती है। तो वाइफ और मदर के बीच में जो रिलेशन होगा वो आल का होगा, वुमेन और वाइफ के बीच में जो रिलेशन होगा वो भी आल का होगा। अब हम वुमेन और मदर का रिलेशन देखेंगे, वुमेन और मदर का। अब जो भी वुमेन होती है या मदर होती है, जो भी मदर होती है वो क्या होती है? वो तो एक वुमेन होती है, वो तो मैन हो नहीं सकता। जो भी मदर होती है वो मैन होती है, तो यहाँ पर भी आल का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एरो से शो किया है, यानी कि आल मदर्स आर वाइफ,
ऑल वाइफ्स आर वुमेन, ऑल मदर आर वुमेन। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ऑप्शन वन की तरह बनेगा आपका वेन डायग्राम। ये हमने देखे ऑप्शन वन की कुछ एग्जांपल, अब हम देखेंगे ऑप्शन सेकंड की कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पर हमने ऑप्शन बी की कुछ एग्जांपल ली है। पहली एग्जांपल है शॉर्ट टाई और पैंट, इनके बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, शॉर्ट और टाई के बीच में क्या रिलेशन है, शॉर्ट के बीच में क्या रिलेशन है। ऐसा सोच सकते हो कि शर्ट के ऊपर टाई लगती है, लेकिन अगर टाई पहनो या ना पहनो शॉर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाई और पैंट के बीच में देखेंगे, पैंट पहने होगे तो टाई पहनो या ना पहनो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो नो रिलेशन है। और शर्ट और पैंट पे देखेंगे, शर्ट और पैंट पे भी ये भी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, चाहे पैंट के ऊपर आप जैकेट पहनो स्वेटर पहनो कोई भी रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो नो का रिलेशन आएगा। इनकी जो वेन डायग्राम बनेगी तीनों का अपना अपना सर्कल बनेगा, यानी कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इनकी वेन डायग्राम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिंगल केस है कैट डॉग और क्रो, कैट है डॉग है क्रो है, कैट अपनी जगह डॉग अपनी जगह क्रो अपनी जगह, इनके बीच में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये नहीं सोचना है कि कैट एनिमल है या डॉग एनिमल है तो ये दो एनिमल हो गए एक बर्ड हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो नो का रिलेशन होगा, जब नो का रिलेशन होगा वो ऐसे शो होगा। कार है बस है ट्रेन है, इनमें भी सेम केस है, कार और बस का कोई भी रिलेशन नहीं, सारे के सारे ऑटोमोबाइल्स में है या व्हीकल्स है जो भी है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन इनमें कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। कार का सर्कल अपना, बस का अपना और ट्रेन का अपना। ये कुछ एग्जांपल थी ऑप्शन नंबर सेकंड की। हम एग्जांपल ले रहे कुछ ऑप्शन नंबर थर्ड की, इंजीनियर बॉयज और सिंगर। इंजीनियर और बॉयज के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, देखिए सम इंजीनियर्स आर बॉयज और सम बॉयज आर इंजीनियर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंजीनियर जो हो सारे के सारे लड़के हो या सारे के सारे लड़के यही प्रोफेशन करते हो, कुछ लड़कियां भी हो सकती है जो कि इस प्रोफेशन में होगी। सिंगुलर केस है सिंगर के साथ, सारे के सारे लड़के तो सिंगर नहीं होंगे, सम बॉयज आर सिंगर और सम सिंगर्स आर बॉयज। तो यहाँ पर दोनों तरफ से सम का रिलेशन आ रहा है और सिमिलर केस होगा इंजीनियर और सिंगर के बीच में। एक ऐसा प्रोफेशन जो कि इंजीनियरिंग का हो, कोई इंजीनियर ऐसा भी होगा जो सिंगिंग करता होगा, ठीक है। सम सिंगर्स आर इंजीनियर्स एंड सम इंजीनियर्स आर सिंगर भी कह सकते हैं। जब कभी भी आपके पास सम का रिलेशन होगा तो ऑप्शन नंबर थ्री जो हमने अभी डिस्कस किया था, यानी कि कुछ ऐसा ये ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। सिमिलर केस है टीचर वुमेन एंड इंजीनियर के, कोई टीचर ऐसा भी हो सकता है जो कि वुमेन होगी, यानी कि सम टीचर्स आर वुमेन और सम वुमेन्स आर टीचर, इनके बीच में सम का रिलेशन होगा। सम वुमेन्स आर इंजीनियर एंड सम इंजीनियर्स आर वुमेन, ऐसा रिलेशन होगा। और टीचर और इंजीनियर के बीच में भी हो सकता है सम टीचर्स आर इंजीनियर, ऐसे इंजीनियर जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हो वो तो बाय डिफॉल्ट टीचर ही हुए, है तो इंजीनियर लेकिन प्रोफेशन क्या कर रहे हैं टीचिंग का कर रहे हैं, तो इंजीनियर टीचर हो सकता है और टीचर भी इंजीनियर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल देखी सम्स की। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे पहले पार्ट वन ज़रूर देखें ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।